मौजूद हैं और हम अभी आए हुए हैं सदर बाजार पेटी वाली गली के अंदर। तो मैम का सुना था कि स्ट्रगल करने के बाद आज इनके पिता नहीं है, उसके बाद स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा और आज मार्केट में स्थापित हैं कई वर्षों से। तो मैम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि कैसे क्या इंसिडेंट रहा, आपने इतना स्ट्रगल कैसे किया अपनी लाइफ के अंदर, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोग यहाँ आए, और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्या स्ट्रगल था और क्या कितना डिफ़िकल्ट था इस जर्नी में यहाँ आना। बट वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वालों की ब्लेसिंग्स होती हैं और कुछ सपोर्टिव फैमिलीज होती हैं तो उस बेसिस पे आप आगे निकलते चले जाते हो। पापा वाज सिटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स, तो वो 45 साल उन्होंने अपनी इसी शॉप पर दिए थे। एंड जो भी हमारा फैमिली बिजनेस है ये, तो ये लास्ट 45 ईयर्स से चल रहा था। उसके बाद हम 3 डॉटर्स हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, तो इन दैट केस आई हैव टू टेक दैट डिसीजन कि लाइक हु इज़ सपोज टू ग्रो दिस बिजनेस और आगे कौन लेकर जाएगा। तो ये जर्नी जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो सर मेरे को कुछ ये पता था कि वेंडर्स क्या हैं और कस्टमर्स क्या हैं। इट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर मी, बट टुडे आई वाज एक्चुअली कंप्लीटिंग अ 1 ईयर। इट वाज नॉट दैट इजी फॉर मी टू गो अहेड, बट जितनी कोशिश हम लोगों ने यहाँ पे करी है, ना ये पता था कि कैसे सामान लोड होता है, क्या कहाँ जाना है, तो जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट रही है। बट हाँ, अब स्मूथ हो गई है क्योंकि एक साल में इतना सीख लिया है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। एंड सपोर्टिव फैमिलीज़ में ये था कि मेरे जो मतलब रिलेटिव्स हैं उनमें से कुछ यहाँ पर ही थे, जैसे वो कज़न मामू हैं मेरे, वो थे मेरे रियल मामा थे। तो इन लोगों ने मेरे को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाई कराई। तो आज ये है कि एक साल मेरे डैड को कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि जो स्ट्रगल पार्ट रहेगा वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, और आने वाली जनरेशन को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके फैमिली बिजनेसेस हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ एक बार, जो अभी रियल में ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी के भी सदर के लोग हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ यंगस्टर्स को बेसिकली कि वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी फैमिली के टूवर्ड्स बढ़ाएँ, ताकि वो अपने आइडियाज़ लेकर आएँ और अपनी फैमिली को उसी तरीके से सपोर्ट करें, सो दैट उनके बिजनेस में भी ग्रो हो सके। आजकल की जनरेशन कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई अच्छे लेवल्स पे भी हैं, बट अगर जिनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है कमिंग इनटू दिस एरिया, सो वो एक नए तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इजी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इट्स जस्ट दैट आपको किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है और किस तरीके से आप अपना माइंड सेट रखते हो कि वो कैसे फोकस रहेगा। अच्छा मैम, जब आपके पास आपको पता लगा कि अचानक आपके घर के अंदर ऐसी घटना हो गई है कि आपके पिता आपके बीच में नहीं रहे, तो किस तरह से लगा और आगे क्या रणनीति रही कि हम काम को कैसे संभालेंगे, क्या मन में चल रहा था उससे? सर उस टाइम पे सिर्फ एक ही फोकस था कि अब जो सिचुएशन है उसको कोई ना कोई तो हैंडल करेगा। तब इतना आसान नहीं था हम लोगों के लिए, बट हिम्मत कहते हैं ना भगवान ही देता है, तो वो एक ग्रेस थी कि ऊपर से ही आ रही थी। और जब स्टार्ट किया था तब भी विंटर्स का टाइम था, और आज जब कंप्लीट हुआ है तो भी विंटर्स का टाइम था। ना पता था कि ऐसी सिचुएशन में आके बैठना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, बट आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने एक साल पूरी तरीके से अपना हार्डवर्क, अपना टाइम, अपनी हर चीज़ बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से करी ताकि आगे ले। क्या क्या परेशानियाँ या आपको इस नए बिजनेस में आने के लिए अजीब सा लगा होगा, अरे ये क्या हुआ एकदम? नहीं सर, इतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि एक तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो पूरे यहाँ लोग हैं, वो सारा की सारा क्राउड मेल है। वुमेंस के लिए यहाँ पे बैठना थोड़ा डिफिकल्ट है, इवन वॉशरूम्स आर नॉट अवेलेबल हियर ढंग से। एक दो वॉशरूम्स हैं, उसमें भी कई बार दिक्कत आती थी, बट ठीक है, मैनेज हो गया समहाउ। और जैसे कि आप देख सकते हो सारी मेल कम्युनिटी है यहाँ पे, तो वुमेंस के लिए यहाँ बैठ के काम करना वॉज बिट डिफ़िकल्ट, बट एक एक बंदे से जब जाके बात करी और उनसे समझा तो हर किसी ने कोऑपरेट भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एसेट बहुत बड़ी दिक्कत आई हो या कोई ऐसी बात हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण है आने वाली पीढ़ी के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं लड़की कुछ नहीं कर सकती या बाहर निकालेंगे लड़की को तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं ये कहूँगी, जब आप ये बोलते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं ये कहूँगी हर घर की लड़की को ये होना चाहिए कि अगर घर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको हारना नहीं है। यू डोंट हैव टू लूज होप्स, यू हैव टू कीप गोइंग एंड सी कि क्या कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सी ऐसी शॉप्स है जिसमें आप न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ ला के आप सेल आउट कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। बट वो ये है कि आपकी रिसर्च कैसी है, आप कैसे क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, चाहे आप बैग्स ले लो, चाहे कॉस्मेटिक्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आप कोई भी आइटम उठा लो, एंड अगर आपका थोड़ा सा भी पीयर ग्रुप है तो आप उसमें भी अपनी एक शुरुआत कर सकते हो। आजकल लेडीज़ अपने घर से काम कर रही हैं, वो भी अपना बिजनेस रन कर रही हैं,
तो सिटिंग एट सदर वॉज नॉट दैट टफ फॉर मी, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी 45 ईयर से वो चीज़ चल रहा था, बस उसे रिटेन करके एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना था, जो एक साल की जर्नी में हम लोगों ने किया। अभी क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, सबसे बड़ी बात? सब बिजनेस मैं ये कहूँगी कि जितना मुझसे हो पाया मैंने अपना 100% दिया है, बाकी इट ऑल अबाउट हिज ग्रेस। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये मैसेज हर हर फैमिली में पहुँचे, हर उस फैमिली तक जाएँ, ताकि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, और अगर कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं सदर में बेसिकली, तो वो अपने बच्चों को भी ये बोलें कि अगर उनको कोई मतलब कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, तो वो अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि बच्चे अपना कोई कंट्रीब्यूशन, कोई आइडिया, कोई उनके साथ बात करें, तो वो चीज़ उनकी ग्रो हो सके। महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, तो महिला सशक्तिकरण में खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है, तो आप उसकी एक मिसाल है, जीती जागती, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर ये मिसाल आप कह सकते हैं, बट थोड़ा सा टफ पीरियड था, जिसको हमने एज अ पॉजिटिव नोट लेकर उसको एक अच्छे लेवल पे लेकर आए, ताकि हम लोग इसको और आगे लेके जा सके। इनके स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए कि एक घर का एक कमाने वाला सदस्य चला जाता है, तो उसके बाद स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ ये दुकान पे बैठी है, एक साल हो गया स्ट्रगल करते हुए, क्या कहना चाहेंगे एक महिला के लिए कितना कठिन है और कितना आसान है सदर के अंदर जहाँ मेल कम्युनिटी है, आपका क्या मानना है? नहीं, कम्युनिटी की बात करते हैं सदर बाजार में, सब मिक्स है यहाँ पर, सब हमारा ऐसा है। पहली बात तो ये है, आपने ये कह के ही छोटा कर दिया लेडीज़ को, और ये कि सशक्तिकरण का जो मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, तो इनको बढ़ावा के लिए तो किया है। आज 36% जो वो दिया है, आरक्षण दिया, तो लेडीज़ को ही दिया है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है इनको कोई दिक्कत नहीं आई है। एक साल इनके ऐसा था, पिछले साल में इनके फादर की डेथ हो गई थी, ऊपर वाला उनको बहुत अच्छी जगह प्रदान करे, और बाकी इसका जो बैठना था बाकी हमने सबने साथ दिया इनका, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ ये बैठते हैं, काम करते हैं, सुबह आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, नहीं समझे? तो इसमें क्या है कि इसमें कोई यहाँ पर किसी बात की परेशानी नहीं है, यहाँ लेडीज भी बैठती है, जेंट्स भी बैठती है। तो आपने क्या देखा सर, जब इनके पिता थे, जब भी आप मौजूद थे, उनकी कार्यशैली में, इनकी कार्यशैली में एक महिला होते हुए, जैसे कहा जाता है बहुत नाजुक होते हैं, बड़ा स्ट्रगल करना मुश्किल हो जाता है, ये तो परंपरागत है ही, लेकिन आपने देखा एक महिला होते हुए स्ट्रगल कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, उसके ऊपर क्या कहना है? देखो ऐसा है, पुरुष से ज़्यादा महिला बहुत हार्ड वर्क करती है, ये आपका सोच का है। आज जो है जो डेफिनेशन बदली है, वो हमारी पार्टी के आने से बदली है, मोदी जी के आने से बदला है ये सारा। जो 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 बढ़ावा देते हैं, आज महिलाओं को बढ़ावा दिया है, तो मोदी जी की सरकार ने दिया, आज हमारी सरकार ने जो दिया है भाजपा दिल्ली प्रदेश ने, तो यहाँ पर जो भी है महिला का जो भी काम है या कारोबार है, वो खुशी से और निश्चय लेके कर सकती है, ऋण निश्चय लेके कर सकती है, और बहुत अच्छे व्यापार चलता है, कोई ऐसी बात नहीं, इसका साथ भी देते हैं सब। कोई अभी मार्केट में आई थी तो कितना सपोर्ट आप लोगों का रहा? आपने हमारा तो पूरा ही सपोर्ट रहा, क्योंकि हमारे किराएदार भी हैं, तो हमारा क्या है कि पूरा आज भी इनका पूरा सपोर्ट है, और किसी भी बारे में कोई भी परेशानी होती ये हमें बताते हैं, हम उनकी परेशानी दूर करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी जी मैम, यदि प्रोडक्ट की बात करें तो आप किस किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं अभी? हमारे कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसकी मतलब स्टार्टिंग में, जैसे नेल कटर्स हम लोग पापा रखते थे, फिर गैस लाइटर्स रखते थे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक मतलब ब्रांडेड हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने काफ़ी कैटेगरी वाइज रखे हुए थे। तो जैसे हम लोग ये मैं दिखा सकती हूँ कि जैसे वी हैव वुडन हैंगर्स ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई से तो इसमें गैस लाइटर्स हैं हमारे, ये पूरे गैस लाइटर्स हैं, इट्स 12 इनसाइड दिस। और फिर हमारे नेल कटर्स आते हैं, तो ये नेल कटर्स की वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, आप शॉप पूरा देख सकते हैं कि दैट इज़ कम्प्लीटली विच, और भी वैरायटीज़ हैं विच इज़ लाइक सुरमेदानी, जो हमारे पहले बड़े रखते थे, मतलब जैसे हमारा सिस्टम चलता आया है, जैसे बड़ों ने करा है, तो वही वैरायटी हम लोग सारे यहाँ रखते थे। इसके अलावा हमारे टंग क्लीनर्स हैं और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीजर्स हैं, तो ये हमारी एक प्रोडक्ट लाइन है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैम तो बल्क में लेने वाले आते होंगे, तो उनके लिए तो आप मौजूद रखते ही हैं प्रोडक्ट? होलसेल का तो सर है ही, अगर समबडी वांट्स रिटेल में, तो वो रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन प्राइसेस वगैरह डिफरेंट हो जाते होंगे? हाँ, मतलब डिफरेंट, अब जैसे होलसेल का प्राइस है सर, तो अगर उसके हिसाब से प्राइस लगता है, रिटेल है तो फिर रिटेल के हिसाब से प्राइस लगता है। अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं, कृपया इनके बारे में बताइए, जो अभी मैं सीजर देख रहा हूँ जैसे कि। हाँ जी, ये हमारी
रॉकेट के सीजर्स हैं, ये बेसिकली जो यूज़ होती हैं ये सारी, मतलब स्टील सीजर्स है जो आप देख सकते हो, स्टील सीजर्स है सारी। और गैस लाइटर्स मैं आपको एक शो कर सकती हूँ। मैम इनकी वारंटी और गारंटी का क्या रहता है? ये पूरे एक साल है सर, पूरे एक साल की गारंटी वारंटी जो भी आप कहोगे सब मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है उसमें। दिस इज द पीस एंड ये हर हर आपको हर घर में रिक्वायर्ड है। सो दिस इज वन ऑफ द पीस, प्रीमियम पीस है, मतलब हर वुमेन को घर के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो आई वुड से अगर बात करें कितना चल जाता है एक बार, अगर सर आप सालों जो अगर मैं बॉक्स के हिसाब से बात करूं तो इट्स अ वन ईयर गारंटी पूरा आपको मिलेगा। अगर आगे अगर मैं कहूं तो भी चलेगा ही, बट द प्रॉब्लम इज अब जो मैन्युफैक्चर है उनसे मैंने लिया है तो अकॉर्डिंगली फिर ये पूरा एक साल की गारंटी तो मैं आपको दे सकती हूँ। इन केस अगर आपका कभी खराब हो जाता है तो रिप्लेसमेंट की भी पूरी गारंटी है, हम लोग रिप्लेस करके भी दे देंगे। अगर प्राइस की बात करें तो मैं प्राइस क्या रहने वाला है इसका? सर ये 420 का बॉक्स है पूरा, सो दैट्स 35 rupees पर पीस। तो मतलब अगर चीपर प्राइस में भी लेना है तो देर आर थिंग्स दैट विच यू कैन बाई, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं। और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी सर तो मेरे लिए आसान नहीं था। तो मनोज भैया जो पापा के साथ पिछले लास्ट 45 years से हैं तो इन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, बताया कहाँ से क्या लेना है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी उतना ही मतलब सम्मान दिया जाए, क्योंकि अकेले हर कोई नहीं कर सकता, इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क। तो वो मेरे साथ खड़े रहे और मेरे को और हिम्मत देते रहे कि सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, एवरीथिंग विल बी फाइन और सब सॉर्टेड तरीके से होगा। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मनोज जी, मनोज जी, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बढ़िया है ये प्रोडक्ट, भी बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं शिकायत, और जितना यूज करो उतना चलता है बढ़िया। इनमें ये नहीं कि चलो एक साल तक चलेगा, ये दो साल तक भी चल सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी सीमित अवधि है। हाँ जी, अगर आप ढंग से यूज करेंगे या तरीके से। ये है कि चूल्हे की उससे बर्नर से उसको बर्नर से दूर रखें और पानी से दूर रखें, बाकी चले तो 5 साल तक चल जाता है। तो आपके यहाँ के सारे प्रोडक्ट ही एक बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, आपका कहने का मतलब? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मनोज जी, अच्छा लगा।